Come on, fast. Vinod! Vinod! Madam, madam, madam! क्यों नहीं जा सकती? मेरा हस्बैंड वहाँ फंसा पड़ा है और आप कह रहे हो मैं नहीं जा सकती? हाँ, कोई नहीं जा सकता है। वहाँ आपकी जान को खतरा है। वहाँ, वहाँ एक बॉम्ब है। बॉम्ब? Oh my God! कट, कट, कट! कट करो यार, कट करो। ये सातवां रिटेक है, सातवां और सात टेक मतलब 7,000 रुपए। 7,000 रुपए की फिल्म खा गई तुम। अरे तुम्हें जोर से चिल्लाना था विनोद और फिर गिरना था। मुसीबत हो गई तुम्हें लेकर। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हा? एक ही बार में ठीक से क्यों नहीं करती तुम? क्या है प्रॉब्लम? बताओ बताओ प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताओ बताओ। अब समझे क्या प्रॉब्लम था? अभी अभी आपने देखा कैसे मंजिता जी ने फिल्म के निर्देशक बी कुमार के चेहरे पे एक करार थप्पड़ जमाया। ऐसा लगता है कि इस थप्पड़ की आवाज फिल्म इंडस्ट्री में अब दूर दूर तक सुनाई देगी। काफी हंगामा होने की उम्मीद है। आगे क्या क्या हो सकता है देखिए एक ब्रेक के बाद। आप मुझे मेरे पैसे क्यों नहीं देते? जब तुम सब जानती हो तो पैसे मांगी क्यों रही हो? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए कार के लिए, मेरे कपड़े खरीदने के लिए और खाने के लिए। देखो ज्यादा तंग मत करो वरना निकाल दूंगा। निकाल दो मगर उस डायरेक्टर को भी निकालो। उसे क्यों पैसे दिए जा रहे हो? क्योंकि उसका नाम बिकता है, तुम्हारा नाम नहीं बिकता। नाम बिकता है माय फुट, आपको बेच देगा वो। देखो आज क्या करने वाला है, ब्लास्ट करवाने वाला है। गया ना आपका 3-4 लाख रुपया फिर से। सुन। जी मास्टर जी। ये संभाल के रख। मालूम है ना क्या है ये? हाँ हाँ मास्टर जी। ये बारूद है, जेलेटिन स्टिक्स, ध्यान से रखना। ब्लास्ट हो गया तो वहीं पे मर जाएगा तू। जी मास्टर जी। नमस्ते सर जी। तू यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे पास काम नहीं है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, दो पैसे कमा लेने दे। अरे तेरे जैसे आदमी को साथ रखूंगा तो कोई काम नहीं मिलेगा मुझे। तू जा यहाँ से, जा। साहब वो एक बार गलती हो गई, अब नहीं होगी। तू जा यार। और तेरे बॉस ने तुझे क्यों भेजा? वो खुद कहाँ है? मास्टर जी उनके पेट में दर्द है, कल भांगड़ा खाया था उन्होंने। अरे गड्ढे में गए भांगड़े यार। सुन तुझे काम आता कि नहीं? हाँ 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 मास्टर जी। नहीं तो किसी की मौत हो जाएगी। सब मुझे सब काम आता है सर। 15 साल तक काम किया आपके साथ सर। सर प्लीज ला दे जरा। ये आज सिर्फ एक दिन। पता है जब मैं टेलीविजन में थी तो मैं एक दिन में 100 लाइन बोलती थी और यहाँ मैंने 100 दिन में एक ही लाइन बोली हूँ। हाँ तुम 100 दिन में एक ही लाइन बोली हो क्योंकि उस एक लाइन को बोलने के लिए आपने आपकी चोंच खोली। मैं उसी टाइम समझ गया था कि हम दोनों में से एक ही बचेगा यहाँ पे। तो तुमने सोचा कि मेरी छुट्टी होनी चाहिए? क्यों? हाँ क्योंकि मेरी छुट्टी तो हो नहीं सकती। लोग चाहते हैं कि मैं और फिल्में बनाऊं। Oh my God, look at him. लोग चाहते हैं कि और फिल्में बनाओ, ये क्यों नहीं कहते कि प्रोड्यूसरों को डुबाओ? अरे तो प्रोड्यूसर होते किस लिए? डुबाने के लिए तो होते, एक डूबता है दूसरा आ जाता है, डायरेक्टर वहीं रहते हैं। अब तक मैंने यही समझा था कि किसी ना किसी तरह मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए तो मेरे पैसे निकल आएंगे, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं चर्च गेट के सामने खड़े रहकर भीख मांगू। सर ये क्या कह रहे हैं आप? बता कितने पैसे दिए थे मैंने तुझे? सर भूल जाइए सब। कितने पैसे दिए थे? 3 करोड़। 3 करोड़? तो जितनी जल्दी हो सके वो 3 करोड़ वापस कर। सर मैंने अभी अभी एक फ्लैट खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, एक फार्म हाउस खरीदा है। तो जल्दी से जल्दी अपने फार्म पर पालक और सरसों उगाना शुरू कर दे क्योंकि वही पालक सरसों बेचकर तुझे गुजारा करना पड़ेगा। आज यहाँ तेरा आखिरी दिन है। हाँ ठीक है, अब देख बेवकूफ। जी साहब। पिछली बार की तरह मत कर दियो। जी साहब। ध्यान से काम करना, वैसे ही देर हो चुकी है। ऐसे 4-4 घंटे एक एक ग्लास में लगाऊंगा तो कौन काम देगा मुझे? अब ये तार ले जाके वहां तक फैला। जी। और वहां जाके उसके हाथ में दे दे। किसके हाथ में? अरे वो खड़ा ना वहां दूसरा बेवकूफ, उसके हाथ में। जी साहब। एक तो उसका बॉस घर में मच्छी खा के पड़ा हुआ है और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। और देख। जी। ये ब्लास्ट अभी तैयार है, तार को पावर में मत डाल देना,
नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यस सर। लाइए। ले पकड़। बलबीर जी एक बात बताइए, आपको मास्टर जी ने निकाला क्यों था? जलन, वो जलते हैं मेरे से, मेरे को उनसे ज्यादा काम आता है। मास्टर गधा है, गधा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ? गधा है मास्टर। तू उसकी टोपी उतार के दे, उसमें अंदर लिखा है गधा। क्या बात कर रहे हैं, और मास्टर जी को मालूम नहीं है? अरे मास्टर अनपढ़ है, वो कुछ पढ़ ही नहीं सकता। इंग्लिश में लिखा हुआ है ASS, मैंने लिखा है एक महीने पहले। तुम्हें मालूम है ये जो डायरेक्टर है ना, ये पहले क्या था? क्या था मैडम? मैं जिस सीरियल में हीरोइन थी ना, वहाँ ये सेकंड असिस्टेंट था। क्या था? सेकंड असिस्टेंट मतलब डायरेक्टर का चमचा। मेरे सैंडल साफ करता था, यू बुलाने से भाग के आता था। अब क्या बताओ मैडम, अब बंद भी कर दीजिए ना। लाइए, मैं आपके भी बाल बना देती हूँ। Shut up! To hell with my hair! अब मैं ये फिल्म नहीं करने वाली हूँ। मैं इस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दोनों को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। वो मुझे जानते नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ। समझती क्या है अपने आप को? हीरोइन बनने चली है। चलो भाई, ये हीरोइन का दिमाग ठंडा हो जाए तब तक ब्लास्ट सीन कर लेते हैं हम। अरे और कितनी देर लगेगी मास्टर जी? बस सर हो गया, ये दो बार रह गई, ये लग गए तो समझो काम हो गया सर। जल्दी करो यार, बहुत टाइम खा जाते हो तुम लोग यार, हमको कुछ पता ही नहीं। अरे क्या हुआ? अरे मास्टर जी, अरे मास्टर जी, अरे ये क्या कर दिया? अरे 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 क्या कर दिया? अरे मेरे को ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया तूने ये? अरे अरे मास्टर जी, अरे बचाओ मास्टर जी को, बचाओ। अरे अरे अभी आपने देखा कि किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है। जब पर ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, ब्लास्ट के धमाके में खुद उड़ गया है। देखना है ये शरीर काफी ऊपर जाकर जमीन पर नीचे गिरी है। जिस अवस्था में मच्छी हुई है, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग पास खड़े हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ जाओ तुम अभी जाओ। देखो आदमी मरा पड़ा है। अरे जल्दी आ जाओ। देखा अभी अभी एक बार नहीं था। क्या हो रहा है मेरे सर पे? क्या हो रहा है? साजिश है मेरे मेरे खिलाफ, ये जरूर साजिश है मुझे डुबाने की। आपको क्या लगता है? अरे मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने तो हुआ सब, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया मेरा। CID को बुलाओ। सत्य प्रकाश जी, आप हमें बताएंगे वहाँ क्या हो रहा है? लगता है बड़ा ही सीरियस हादसा हुआ है, सिर्फ मास्टर साहब को ही चोट लगी है। अब CID के आने के बाद पता चलेगा ये सब कैसे हुआ। हाँ हाँ, अरे लेकिन क्या करें, अभी देखो ना यहाँ बम पड़ गया है। अरे ऐसे ही वो ब्लास्ट कर रहे थे मास्टर को, फाइट मास्टर। ये अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ जी? मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं तो फोन पे बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर। अपने आप तो नहीं हुआ है ना सर? पता नहीं साहब कैसे हो गया, अभी तो तैयारी चल रही थी, ब्लास्टिंग तो साहब एक घंटे बाद होने वाला था, और मास्टर जी वहां बैठकर वायरिंग देख रहे थे सर। फिर पता नहीं कैसे साहब बम फट गया। अरे फट कैसे गया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ साहब। मास्टर जी के साथ में एक नया आदमी आया है, उसने ही साहब दोनों तार जोड़ दिए, उसने गलती की सर। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या किया? साहब मुझे सुबह से ही दिख रहा था कि इसे अपना काम ठीक तरह करने को नहीं आता साहब। तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? मगर साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तो फिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे? ये देखो साहब, तार वैसे ही है मेरे हाथ में, ऐसे क्या ऐसे पावर में लगाया नहीं था साहब। अगर तार पावर में नहीं लगाए तो वो फटा कैसे? साहब ये ब्लास्ट थोड़ा खतरे वाला था, मास्टर जी ने कहा था पहले सारे कनेक्शंस करेंगे फिर पावर में लगाएंगे, पावर में लगाए नहीं साहब। तो वायर में करंट आया कहाँ से? साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साहब। ये देखिए साहब, ये सब टूटा हुआ है, इसी में लगा दिया होगा। काम हो गया बॉस, क्या फाइट मास्टर इस दुनिया से, जमीन से 15 फीट ऊपर गया बॉस। बॉस क्या ब्लास्ट, अब मजा आ गया। अच्छा बॉस मैं निकलता हूँ, कई दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। ओके मैडम, इन लोगों ने तो हीरोइन को पैसे भी नहीं दिए हैं,
और वो ये कह रही थी कि इन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ और कहाँ से आई हूँ। सर वो न्यूज रिपोर्टर सुबह से यहाँ पे था। कौन? वो क्यूटीवी वाला। वो बड़ा उस्ताद है, हर खबर में थोड़ा नमक मिर्च मिला देता है। हाँ सर, उसने बताया कि फिल्म की हीरोइन ने डायरेक्टर के मुंह पे पांचों उंगलियां छाप दी। क्या? हाँ सर, सबके सामने। और उसके बाद में ब्लास्ट हुआ। हाँ? तो ये चक्कर है। सर ये भी पता लगा है कि ये प्रोड्यूसर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। सारे पैसे खत्म हो गए उसके। इस डायरेक्टर ने उसका दिवाला निकाल दिया सर, और हीरोइन का पेमेंट भी रुका हुआ है। अच्छा, उसकी हेडर से सब कुछ बता रही है सर। क्या बता रही है? कि हीरोइन ने कहा है कि वो दोनों को देख लेगी, डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी। तुम लोग एक काम करो, तुम सेट पे मौजूद एक एक आदमी से इंक्वायरी करो, देखो जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय कौन कहां कहां पे था। हमें ये देखना है कि जिसने ये ब्लास्ट किया है वो अभी भी इधर है या निकल गया यहां से। सर, प्रोड्यूसर। देखो सुधाकर, सर तुम दोनों सब जूनियर आंटी से बात करो। ओके सर। जाओ। एक तो पहले से मेरा दिवाला निकला हुआ है, उसके ऊपर ये मौत, अब कौन हाथ लगाएगा मेरी फिल्म को? मैं यहीं पर था, यहाँ पास में ही जब ब्लास्ट हुआ। मुझे तो लगता है कि मुझे देखकर ही किसी ने बटन दबा दिया और बेचारा मास्टर मारा गया। ये मेरे लिए था, मेरे लिए। कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि मास्टर की कुर्बानी हो गई है। या शूटिंग हो रही है या युद्ध? तुम्हें कैसे पता? सब एक दूसरे के सुन के पास। चुप। तुम्हारा आदमी था ना? हाँ साहब। तुम्हारे पास लिस्ट है? लिस्ट है साहब। क्या हुआ? सर ये जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है, ये सारे लोग इसी के हैं, मगर इनमें से एक आदमी गायब है सर। गायब है? कौन है वो? उसका नाम चंदर है साहब। कहाँ है वो? पता नहीं साहब, जब से ब्लास्ट हुआ है तभी से गायब है। उसका पता है तुम्हारे पास? नहीं साहब। तुम उससे जानते हो ना? नहीं साहब। वो तुम्हारी यूनियन का ही आदमी है ना? नहीं साहब। क्या हुआ, वो आदमी स्टूडियो के गेट के बाहर खड़ा था, हमारा एक आदमी आया नहीं था साहब, कम पड़ रहा था। तो तुमने चंदर को ले लिया? हाँ साहब। अच्छा, उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं है साहब। सर वो क्यूटी वाला रिपोर्टर सुबह से है यहाँ पे, उसका कैमरा इतना इधर उधर घूम रहा है, कहीं तो चंदर का शॉट आया होगा उसमें। हाँ? पूछे उससे, वीडियो देख सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, देखो इन लोगों में चंदर है क्या? वो स्टूडियो के अंदर तो आया था ना? हाँ सर, स्टूडियो के अंदर तो आया था। और तुम लोग लगातार शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ सर, ज्यादातर तो कैमरा चल ही रहा था, वो मालूम नहीं पड़ता ना कब अच्छा शॉट मिल जाए। तो आज मिला ना अच्छा शॉट, जब वो ब्लास्ट हुआ तब कैमरा चल रहा था ना? हाँ सर। और सर जब हीरोइन ने डायरेक्टर के मुंह पर थप्पड़ मारा तभी कैमरा चल रहा था। ये रहा सर, ये रहा चंदर, ये सर, ये चंदर सर, ये ये। अच्छा, तो ये चंदर है? नहीं सर, ये चंदर नहीं है। तो फिर कौन है? इसका नाम तो बांदेलाल है। बांदेलाल? हाँ साहब, करीब 25 साल पहले ये भी मेरी तरह असिस्टेंट था एक फाइट मास्टर का। अच्छा, तो चंदर ब्लास्ट करना जानता है, कहाँ रहता है वो? ये तो मालूम नहीं है साहब, पर इसे मैंने किलावाड़ी में देखा है। किलावाड़ी? इसे पूछते हैं। अरे भाई सुनो, बांदेलाल को जानते हो? बांदेलाल? हाँ बांदेलाल, यहीं कहीं रहता है। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये होके ही रहेगा। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आखिर सीआईडी वाले पहुंच ही गए। ये बांदेलाल क्या काम करता था कभी समझ में नहीं आया। वो रहता कहाँ है? वो यहाँ रहता तो नहीं है, मगर यहाँ आता जाता बहुत है। कहाँ पे? वो गली में। ताला लगा हुआ है। वो ज्यादातर रात को ही आता है चुपके से, अब कोई ना कोई उसे बता ही देगा ना कि आप लोग यहाँ आए थे, तो शायद ना भी आए। दरवाजा तोड़ देते हैं और तुम यहीं खड़े रहो, एक दो लोगों को और बुला लो, समझे? सब आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे? फंसा नहीं रहे,
हम लोग ना फंस जाए इसलिए तुमसे कह रहे हैं, विटनेस बन के खड़े रहो, समझे? देखो ध्यान से देखो, कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? अभिजीत अरे ये देखो, दो कैन पेट्रोल है। पेट्रोल? पेट्रोल यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा जिससे पता चले कि बांदेलाल कुछ गलत काम करता था। कुछ मिला आशा? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ पे रखी हर एक चीज के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं, शायद कोई अपने पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर जाए। पैट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स उठाओ। ये देखो यहाँ दीवार में, यहाँ पे भी है, यहाँ से निकालो। लेकिन ये पेट्रोल अंदर क्या कर रहा है? इतना सारा पेट्रोल किसलिए लाया होगा? डब्बा? इस पे से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, है दो तीन प्रिंट्स हैं। इसके अंदर होगा क्या? My God. ये देखो, ये तो बॉम्ब बनाने का सर्किट है, जिलेटिन स्टिक्स लगे हुए, मैग्नीफाइंग है ना। है बॉस, इसमें एक फिंगरप्रिंट है। आशा जरा स्प्रे लाना। यस सर। सर आशा तो यहाँ स्प्रे करो। सर पूरे घर में वैसे तो कुछ ऐसा सामान नहीं मिला है इससे पता चले कि बांदेलाल का हाथ हो सकता है इस ब्लास्ट में, मगर डिब्बे के अंदर जो चीज छिपा के रखी हुई थी उससे ब्लास्ट हो सकता है। शायद ये आदमी अब भी फिल्मों में ब्लास्ट वगैरह करता होगा। सर इस चीज के पीछे यहाँ एक उंगली का निशान मिला है। सर ये जो उंगली का निशान मिला है वो घर में मिली किसी भी चीज से मैच नहीं करता है। किसी से भी नहीं? नहीं सर। मतलब किसी ने ये चीज बांदेलाल को ला के दी रखने के लिए। सर इस चीज पे जो उंगली का निशान है वो हमारे रिकॉर्ड में मिल गया है सर। मतलब ये आदमी एक गुनेगार हो सकता है। हाँ सर, इस आदमी का नाम एक डकौटी के केस में है। मालाड में शांति लोक ज्वेलर पर एक डाका पड़ा था, उसमें ये आदमी था। सर इस आदमी का नाम जिंजार है। ओके। मगर सर ये आदमी 25 साल पहले मर चुका है। मर चुका है? तो फिर 25 साल पहले मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट अब कैसे मिला? सर, उस डकैती की फाइल मिल गई है। शांति लोक ज्वेलर्स में जो डकैती हुई थी उसमें दो लोग पकड़े गए थे सर। डकैती 70 लाख की थी मगर पुलिस को कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। जिंजार को कोर्ट में बेल मिली और वो भाग गया। बाद में पता चला वो किसी एक गाँव में उसकी मौत हो गई थी। फाइल में कहीं लिखा है उसकी बॉडी या उसकी लाश मिली? नहीं सर, उसकी लाश किसी ने नहीं देखी। नो सर। नो बॉडी, नो पोस्टमार्टम। इसका मतलब है शायद ये आदमी अभी मरा नहीं है। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो ये है सर, ये दूसरी फाइल, डकैती में जो उसका पार्टनर था ये उसकी फाइल है। जरा नाम और फोटो देखिए। माय गॉड, ब्लास्ट मास्टर जिसकी मौत हुई वही? सर ये जिंजार इस मास्टर से सालों से पैसे मांग रहा होगा, इसने दिए नहीं होंगे। तो जिंजार ने बांदेलाल को भेजा, बांदेलाल ने ब्लास्ट किया और ब्लास्ट मास्टर मारा गया। ये क्या लिखा है? उसके पुराने साथी का नाम है। मापिया, मापिया, इसका पता वता तो नहीं है, फोटो भी नहीं। खैर आशा सर,
जिंजार का ये फोटो 25 साल पुराना है, इसे कंप्यूटर में जरा बूढ़ा बना के देखो, देखते हैं ये अभी कैसा दिखता है। वेरी गुड आशा। सर ये जिंजार बेल पे छूटा था और बाद में गायब हुआ। जमानत देने वाले का नाम लिखा है सर, ये देखिए, कानेश है उसका नाम। यस सर, यस सर, हमने उसका फोन टैप किया हुआ है, हम लोग उसके घर के आसपास ही घूम रहे हैं। सर अभी तक उसे 2 फोन कॉल्स आ चुके हैं मगर कुछ काम की बात नहीं मिली है हमें। दया, दया, फोन कर रहा है किसी को। सर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। हेलो, हेलो, मैं कानेश बोल रहा हूँ यार। गुरु मुझे पैसे चाहिए यार, मुझे लोगों को पैसे देने हैं यार। हाँ हाँ दूंगा यार, मैं तुझे आज ही दूंगा, साकेत पार्क में मिलो 8:30 बजे। मगर सुन ध्यान से, मुझे आज माल चाहिए। कौन सा वाला? अरे फोन पे कैसे बताऊं, समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया। समझना ही चाहिए, देख मेरे कस्टमर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, मुझे और माल देना, फिर मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। रात को 8 बजे ना? अरे नहीं 8:30 बजे। रात बहुत खतरनाक है, दिन और भी खराब होगा। माल लाया हो? हाँ लाया हूँ। पैसे लाए हो? पैसों की बहुत जल्दी है, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। मतलब तुम आज भी पैसे नहीं लाए? ठीक है, आज से हम धंधा नहीं करेंगे। ए, मैं आज खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, समझे? पहले पैसे दो। चुपचाप माल दे दो, चले जाओ यहाँ से। मुझसे दुश्मनी का अंजाम मालूम है ना तुम्हें? हाँ मालूम है। चलो फिर माल दे दो, चलो। बैग में हाथ डालो, लगता है पिस्टल निकालना है। मार दो, एक मिनट रुक। ये लो 30 हैं, क्रोकोडाइल की खाले हैं, 5 लाख रुपए लाओ। चलो अब ये खाले CID ब्यूरो में चल के बेचते हैं। कानेश, कानेश, तुम्हें मालूम है तुम्हारा गुनाह कितना सीरियस है? जानवरों के खाले बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। साहब, साहब मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। जब मैं घर से चला था तो मेरे बैग में कुछ कपड़े थे, रास्ते में किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, और जब मैं पार्क में पहुंचा तो बैग में कपड़ों की जगह खाले निकली साहब। अच्छा ये खाले हैं किस जानवर के? ये मालूम नहीं सर। इनकी तलाश लो। सर ये 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 मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। अच्छा अच्छा पहली बार देखा सर। जादू हो गया साहब, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया साहब। मेरी मदद करो, किसी को बुला के ये जादू निकालो साहब। ये CID ऑफिस है, यहाँ जादू वादू नहीं निकालते, समझे? जादू हो गया है तो मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो साहब। साहब दिल में बहुत दर्द हो रहा है साहब, बहुत दर्द हो रहा है सर। ठीक है इधर बैठो, यहाँ बैठो, डॉक्टर बुलवाते हैं। आशा सर, जल्दी से डायरी अच्छी तरह से चेक करो, देखो इसमें किसी क्रिमिनल का नाम है क्या। सर देखो कानेश, अगर सच बोलेगा और हमारी मदद करेगा तो तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब।
देखो मैं ऐसा दिखा सकते हैं कि तुम्हारा ये बैग किसी दूसरे आदमी के हाथ में था, तो सजा 2-3 साल कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है? हेलो, क्या उस दूसरे आदमी ने आत्महत्या कर ली? सुसाइड? ओके, मैं आ रहा हूं। देखा है क्या हो गया? मरवा दिया ना उसको है? अब किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? क्या हुआ आशा? सर ये डायरी सर। थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ा उसकी हवा निकालने के लिए। सर ये देखिए, ये नाम सर माफिया। माफिया? ये नाम तो ब्लास्ट मास्टर की फाइल में भी था जो ब्लास्ट में मर गया। यस सर। जो नाम ब्लास्ट मास्टर की फाइल में था वही नाम कानिश की डायरी में भी। सर माफिया ब्लास्ट मास्टर का दोस्त था 25 साल पहले और आज 25 साल बाद वही नाम कानिश की टेलीफोन डायरी में। कानिश? कानिश तुमने कभी माफिया का नाम सुना है? माफिया? ये कौन सा जानवर है साहब? जानवर? तुम जानवरों का नाम अपनी डायरी में क्यों लिखते हो? मेरी डायरी में साहब ये 5-6 साल पुरानी डायरी है। कुछ याद नहीं आ रहा साहब। कुछ याद नहीं? नहीं साहब। ये नंबर? कुछ याद नहीं है साहब। सर फोन करके देखें क्या? नहीं, फोन करने से पंछी उड़ जाएगा। तुम इस टेलीफोन नंबर से माफिया के एड्रेस का पता लगाओ। एक्सक्यूज मी, 104 नाकौर सोसाइटी कहाँ पे है? 104? हाँ जी। यही है सर। ये? हाँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये माफिया तो घर में नहीं है। कौन माफिया? ये जिसका घर तुमने बताया अभी। ये पिछले 6 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ यहाँ कोई नहीं रहता। कानिश बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे साथी ने सीआईडी लॉकअप में आत्महत्या करके हमें फंसवा दिया यार। ये लो तुम अपना सामान, ये खाने वाले लेके निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ रहे हैं? हाँ, और हाँ किसी को बताना नहीं कि सीआईडी ने तुम्हें पकड़ा था, समझे? जाओ चलो निकलो। ए, 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 इधर आ, इधर आ। ऐसा करो तुम इस पेपर में लिख दो कि सीआईडी ने तुम्हें कभी नहीं पकड़ा था। मगर पकड़ा तो था सर। चुपचाप लिख दो, हम तुम्हारे चक्कर में फंसना नहीं चाहते, समझे? लिखो। मालूम है क्या किया तुम्हारे साथी ने मरने से पहले? नहीं सर। उसने दीवार पे लिख दिया कि जिंजार जिंदा है। क्या? हाँ। बेवकूफ, क्या जरूरत थी ये लिखने की? हाँ सर, पता नहीं क्यों लिखा उसने ऐसा। क्यों लिखा? और ये है कौन जिंजार? जिंजार तुम्हें मालूम है कौन है? ये कौन है? जिंजार मेरा भाई है सर। भाई है? अच्छा, कहाँ है वो? वो तो 25 साल पहले मर चुका है सर। मर चुका है ना, तब ठीक है, हम बच गए। चलो इन्हें जाने दो। मगर लिखा क्यों उसने ऐसा? पागल है सर, मेरे भाई के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ ऐसा ही लिख दिया, जिंदा है। सर वो 25 साल पहले मर चुका है, हम लोग गए थे उसकी मैयत में। अच्छा गए थे, तुमने आग दी थी चिता में? नहीं सर, हमारे पहुंचने से पहले ही बॉडी जला दी गई थी। ओ, अच्छा कौन कौन गए थे? सर मैं था, मेरी बीवी थी और हमारे 2 रिश्तेदार हैं, चाचा के लड़के, वो गए थे। अच्छा क्या नाम है उनके, जरा बता दो। नाम? अरे बताओ ना यार, हम लोग फंसे हुए हैं, मदद करो हमारी। हाँ क्या क्या नाम है? एक तो वो था हीरा, हीरा कुमार। हीरा कुमार, और दूसरा? दूसरा वीरू, वीरू कुमार। वीरू कुमार, इनका पता बताओ तुम जरा। हीरा, हीरा कुमार का घर। चुप हो जाओ वरना। वरना? वरना क्या? चुप हो जाओ, चुप। नहीं। दिमाग खराब कर दिया तुमने। नहीं चुपोगी और दुनिया भर को बता दूंगी कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो। कौन है कौन? और चुप हो जाओ, मतलब चुप हो जाओ। आप कैसे हैं? बहुत खून बह रहा है, चलो तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। माइक पे हाथ उड़ाना जुर्म है, समझे? क्या खान जुर्म है? खून बह रहा है और जुर्म की बात कर रहा है। आप लोग दरवाजा तोड़ के आए कैसे? देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? काम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? हीरा कुमार। हीरा कुमार, चलो तुम्हारी पट्टी करते हैं, चलो। लेकिन बात तो सुनो। चलो नहीं, बात तो सुनो। चलो आइए।
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस अब हम आ गए हैं, अब वो आपको हाथ नहीं लगा सकता है। आप लोग रोज थोड़ी बचा सकते हैं, आप लोग क्यों उसे पकड़ने आए हैं? नहीं नहीं, हम तो कुछ पूछने आए थे। आप लोगों के एक रिश्तेदार है जिंजार। जिंजार? उनके बारे में कुछ पूछने आए थे। ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं सुना? खैर कोई बात नहीं, आपके पति करते क्या है? यही तो रोना है, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या करते हैं। कभी कभी बहुत सारा पैसा ले आते, कभी कुछ भी नहीं। अब तो इस घर का किराया भी नहीं निकल रहा। अच्छा, तो ये घर किराए का है? हमारा जो घर था हमने बेच खाया, अब तो हर 11 महीने बाद मकान बदलना पड़ता है। 11 महीने बाद नया मकान ढूंढो, डिपॉजिट दो, लीव लाइसेंस का अग्रीमेंट बनाओ। लीव लाइसेंस का अग्रीमेंट होगा ना? हाँ। अग्रीमेंट दिखा। जरा उठिए। ओह सॉरी, प्लीज ये लीजिए। किसका मकान है ये? श्रीचंद मखीजा। माफिया? यहाँ पे भी माफिया? सर माफिया? ये माफिया कौन है? यहाँ विटनेस में नाम लिखा हुआ है। जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। जब भी मैं कोई एग्रीमेंट करता हूँ ना, अब हर 11 महीने में तो नया मकान बदलना पड़ता है ना, तो मैं इसका नाम ऐसे ही डाल देता हूँ और साइन मैं खुद ही कर लेता हूँ। मतलब माफिया को मालूम नहीं है कि तुम उसका नाम लिखते हो? नहीं। और ये माफिया का जो पता लिखा है वो भी पुराना है, 4-5 साल पहले का है। क्या है? B31 मनीष नगर कणेकर रोड। जी मापे साहब है घर पे? नहीं, वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? मालूम नहीं, पर यहाँ नहीं है वो। हमारे पास जो पता लिखा हुआ है वो यहीं का है। हाँ, वो पहले यहाँ रहते थे पर अब यहाँ नहीं रहते वो। एक मिनट, ये घर किसका है? ये हमारा है। हमारे पिताजी और मापे साहब पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, अभी मापे साहब पुणे में रहते हैं। इधर आओ। पुणे में कहाँ पे रहते हैं? मालूम नहीं है? पिताजी ने पर जगह का नाम तो लिया था, समवर लॉज। सर ये है माफिया साहब का कमरा। ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है, कौन हो तुम लोग? इस लॉज में कैसे घुस आए? कोई है? अरे अल्लाह मत बचाइए, हम लोग सीआईडी से हैं। ये मेरा आई कार्ड देखिए, हमें माफिया से मिलना है। वो नहीं है यहाँ पर। लड़के ने बताया कि अंदर है वो। अरे मैं कह रही हूँ वो नहीं है। देखिए हमें देखना है। अरे मैंने कहा ना वो नहीं है। आप लोग कहाँ घुसे जा रहे हैं? वो नहीं है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? वहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। वाकई नहीं है। कहाँ गए हैं वो? मुंबई गए हैं। कल रात को अचानक किसी का फोन आया और वो निकल गए। मुंबई में कहाँ गए हैं वो कुछ बता सकती हैं आप? क्यों? देखिए, उनके एक रिलेटिव की मौत हो गई है और हमें उनसे कुछ पूछना है, बहुत जरूरी है। प्लीज बताइए। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ। वो केडी स्टोर्स में किसी को मिलने वाले थे 4:30 बजे। कहाँ पे? केडी स्टोर्स। केडी स्टोर, ओके, थैंक यू। अच्छा वो दिखते कैसे हैं? उनका कोई फोटो होगा आपके पास? नहीं। अच्छा ये देखिए जरा, ये ऐसे दिखते हैं वो? नहीं। इन्हें पहचानते हैं आप? यही तो माफिया है।
आते हैं। वो आ गया। माफिया। यार, कहाँ जा रहा है? छोड़ दे मुझे। कहाँ जा रहा है? मार दूँगी। 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 मार एक मिनट देखो कहाँ जा रहे हो जिंजर? जिंजर मुझे एक गन बेचने वाले था 50,000 में। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने और दुरून ने वो डकैती 25 साल पहले की थी शांति लोक ज्वेलर्स में। हम दोनों पकड़े गए। जैसे मेरी बेल हुई मैं तो भाग गया और आज तक छुपता रहा। लेकिन दुरून को 3 साल की जेल हुई। डकैती के पैसे कभी नहीं मिले, कभी नहीं, ना पुलिस को और ना ही मुझे। कहाँ गए वो पैसे? वो सब खा गया दुरून। मैं तो छुपा हुआ था। मैंने कई बार उसको मैसेजेस भेजे कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं भूखा मर रहा हूं। नहीं, उसने नहीं दी। उसके साथ में भी क्या हुआ, उड़ा दिया, सब पैसे उड़ा दिया। बाद में मालूम पड़ा कि वो ब्लास्ट मास्टर बन गया, ब्लास्ट मास्टर। तो अब क्यों मारा उसे? मैं इस बात को कभी नहीं भूला। मैं भिखारी बन गया था। हमारा एक दोस्त था माफिया, मैं उसके गांव में जाके रहने लगा। उसके घर वालों ने ऐसे ही हवा उड़ा दी कि जिंजार मर गया। उन्होंने एक चिता भी जला दी और बस मैं बन गया माफिया। तुम चंदर को जानते थे पहले से? चंदर? अरे वो भी चोर है। जब मैंने उससे कहा कि दुरून को उड़ाना है, मान गया। उसे बॉम्ब की वायरिंग बदल दी और बूम गया ब्लास्ट मास्टर गया। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? नहीं, अब बुढ़ापे में तो वैसे ही मरना है। अब फांसी से मर जाऊंगा और क्या।